लापता नवविवाहिता की कुएं में मिली लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खनियादाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवखो में उस समय हड़कंप मच गया जब रविवार दोपहर देवखो के समीप खेत में स्थित कुएं में देवखो निवासी एक नवविवाहित की लाश होने की खबर कुछ बकरी चराने वाले द्वारा गांव के चौकीदार को दी गई। खबर मिलते ही ग्रामवासी कुएं के पास पहुंचे और नवविवाहिता की पहचान मीना अहिरवार पत्नी जितेंद्र अहिरवार के रूप में की गई। नवविवाहिता कुछ दिन पहले ही अपनी ससुराल रेडी खनियादाना से अपने मायके देवखो एक शादी में शामिल होने के लिए आई थी। जब घटना के विषय में परिवारजनों से बात की गई तब परिवारजनों ने बताया कि नवविवाहिता 16 जून से घर से गायब थी, जिसकी पुलिस को सूचना 16 जून की शाम को ही दी गई थी, लेकिन खनियादाना पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से दिनांक 26 जून रविवार को नवविवाहिता की लाश कुएं में मिली है। परिवारजनों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर कार्यवाही प्रारंभ कर देती और मोबाइल लोकेशन या फिर मोबाइल की कॉल ट्रेस करवाती तब शायद नवविवाहिता को बचाया जा सकता था। कुएं मिले नवविवाहिता की लाश पर कपड़े ना होने की वजह से परिवारजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने लाश को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि हत्या है या आत्महत्या। क्या नाम है आपका? शुक्ला। शुक्ला जी, क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरी बच्ची 16 तारीख से लापता हो गई और मैंने 16 तारीख के शाम के रिपोर्ट दर्ज कर दी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। और इसके बाद 26 तारीख के 12 बजे लड़की कुआं में डली मिली, तो पुलिस ने कोई बाकी मदद नहीं की। अगर पुलिस चाहती तो मेरी लड़की जीवित रह सकती थी और पुलिस ने मेरी कोई सहायता नहीं की। आपने 16 तारीख में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसमें पुलिस ने थोड़ा बहुत भी ऐसा संज्ञान नहीं लिया कि उसकी जाँच पड़ताल कर दी? नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया। आपको किसी पर शक है कि लड़की की हत्या किसी ने की हो? शक जो है सर पे, लड़की मारी गई और लड़की उसी नहीं गिर सकती थी, मार के डाली गई, किसी ने मार के फेंका है उसको। जी सर। आपको किसी पर शक है? हमें उसी शक किसी पर नहीं है सर। अकेले मौरी धोती पेटीकोट पहन थी, जो कि धोती पेटीकोट नहीं मिला उसमें, मौरी अकेली चड्डी और ब्लाउज में मिली। क्या नाम है आपका? अमोल। अमोल सिंह जी, क्या घटना हुई थी 16 तारीख में? जैसे आपके बड़े भाई बता रहे हैं कि उन्होंने FIR दर्ज कराई थी आप उनकी बच्ची के गायब होने की, तो आपने कहीं जांच पड़ताल नहीं की इसके बारे में? की सर, 5 बजे रिपोर्ट डाली और 12 बजे से लड़की की ढुलाई करी, पतो लगो के बस स्टैंड पे 2 बजे तक एक दो व्यक्ति को मिल दिखानी गाँव के लोगों को, फिर भी हमने सब ढुलाई करके फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा कोई भी सुनवाई नहीं की गई और 26 तारीख को लाश हमें कुआ में मिली। वैसे मैं पुलिस चाही थी तो 2-5 दिन में मोबाइल की रिकॉर्डिंग होती का वो भी निकाल के देख लेते किस किस से लड़की की बात हुई, तो हमें लड़की की जान बच सकती थी। आपको कैसे पता कि कुएं में लाश डली हुई है? हमें कोई लड़का बकरी चरा रहा था तो कुआ वाले के बच्चों ने देख कर घर वालों को बताया कि अपने घर में कुएं में लाश पड़ी हुई है, तो फिर ने चौकीदार को पता दिया, चौकीदार ने घर हमारे भाई को पता दिया लड़की के पिताजी को। जब हम सब भाई गए, जब हमने लड़की देखी, गांव वाले आ गए, गांव वालों ने हमारी मदद की, पुलिस को फोन लगाया तो पुलिस पहुंची, पुलिस ने फिर हमें सहयोग करके लाश निकाली गई, फिर PM कराकर फिर ससुराल वालों को भी दे दी बॉडी। अभी अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी कुछ नहीं किया था, कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी कार्रवाई नहीं, अकेले PM करवा दिया है, वो वहाँ से निकालवा लिया बस। पुलिस का कुछ कहना है इसमें, आत्महत्या है या हत्या है? अभी जी कोई कहना नहीं।